जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। हुबली जोन वालों का यहाँ पर आज पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है और यहाँ पर सबसे ऑथेंटिक और सबसे ओरिजिनल क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले हैं आज और CI से यहाँ पर 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था SI और या फिर CI दोनों में से यहां पर 1 क्वेश्चन आ रहा है, किसी दिन CI आ रहा है किसी दिन SI आ रहा है। तो यहां आज यहां फर्स्ट शिफ्ट में आपके यहां पर CI का आया है तो आप मान लीजिए अगली शिफ्ट में यहां पर SI का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से यहां क्वेश्चन की चेंजिंग हो रही है। यहां पर देखिए एज रिलेटेड यानी कि आयु संबंधित 2 प्रश्न आए हैं और एवरेज से यहां पर औसत से यहां पर 1 प्रश्न आया है। पाई चार्ट से भी यहां पर देखिए 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, साथ ही साथ यहां पर करंट अफेयर्स से देखिए 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क से भी यहां पर 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए टाइम एंड वर्क हो गया, आपका पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, इनमें से फिर 1 क्वेश्चन आएगा, या तो टाइम एंड वर्क का आएगा या फिर पाइप एंड सिस्टर्न का आएगा, है ना। और यहां देखिए अब जो क्वेश्चन है यहां पर जीके जीएस के वो यहां पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पूछा गया कि पंचायती राज किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा पंचायती राज करा दिया है, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, उसे देखकर चले जाइएगा। उसके अंदर से ही आपके सारे क्वेश्चन, मैंने जैसा कि कहा था कि पंचायती राज का एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा और वैसा ही यहां पर हुआ है। तो यहाँ देखिए पंचायती राज जो है वो आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो 343 के अंतर्गत आता है। और डायरेक्ट यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। तो यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यहाँ पर पंचायती राज को जोड़ा गया। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको जवाब नहीं पता है तो हमारा पंचायती राज का वीडियो देखिए, उसके अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस क्षेत्र पर था। तो यहाँ पर औद्योगिक विकास पर इसका उद्देश्य था और यहाँ पर ये कब से कब तक हुई है, तो 1956 से 1961 तक जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है लागू की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर भवानी और पिंडरादिनी जो है यहाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला। तो यहाँ पर देखिए भाषाओं से संबंधित भी हमने आपको पूरा वीडियो उपलब्ध कराया था और वहाँ से यहाँ पर 1 क्वेश्चन आज डायरेक्ट उठकर आ गया, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका एक भी डाउट यहाँ नहीं रहेगा भाषाओं से रिलेटेड। तो 2004 में यहाँ पर तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। प्रतिरोध का संकेत आपसे पूछा था, तो यहाँ पर इस तरह का प्रतिरोध का संकेत होता है। और यहाँ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रामनवमी किस माह में मनाई जाती है, तो चैत्र माह में जो है रामनवमी मनाई जाती है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर रिलेट करता है देखिए चीज़ों को, है ना। और इसी तरह से आपके जो त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो और भी यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ जो है कौन सी जनजाति जो है यहाँ पर जो दिवाली है उसको यहाँ पर शोक के रूप में मनाती है, वो भी आपको मैंने बताया है यहाँ पर हमारे प्रमुख त्यौहारों के वीडियो में। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट आपके एग्जाम में उठने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो मैंने जितने भी बनाए हैं वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, आज की शिफ्ट में भी काफ़ी सारे आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। और यहाँ पर पुरस्कार से रिलेटेड हम लेकर आ रहे हैं वीडियो आपके लिए, आज या कल में आपके पास वो वीडियो मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह कब मनाया जाता है, तो यहाँ देखिए 1 मार्च से ये शुरू होता है और वैसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, और 1 मार्च से जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह चालू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसे मिला। अब यहाँ 12 खिलाड़ियों को ये दिया गया था और 12 खिलाड़ियों में से जो ऑप्शन था उस ऑप्शन के अंदर यहाँ पर नीरज चोपड़ा भी थे, तो नीरज चोपड़ा जी को भी ये मिला था, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर उस समय पर हो जाता नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन यहां तीरंथकर किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा जो तीरंथकर है ये जैन धर्म से संबंधित है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आया होगा तो डायरेक्ट आपको ये दे देना था आंसर, लेकिन यहां अगर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करके पूछा गया हो तो यहां पूरी चीज ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म से 24 व्यक्तियों के लिए, यहां पर जो 24 तीरंथकर हुए थे उनके लिए यहां पर तीरंथकर जो है जो फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है, जो कि स्वयं तप करके यानी कि स्वयं तप के माध्यम से जो है आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये 24 तीरंथकर हैं जैन धर्म के अंदर। अगला यहां पूछा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश से प्रश्न पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत इन्हें नियुक्ति दी जाती है, तो अनुच्छेद 124 के खंड नंबर 2 के अंतर्गत इन्हें नियुक्ति दी जाती है। अगला क्वेश्चन यहां पूछा गया कि लीवर कहां पर स्थित होता है। जैसा कि मैंने आपको देखो यहां पर आपको मैंने देखिए फ्लावर का डायग्राम यहां बता दिया, आपके यहां पर नर जनन तंत्र और यहां स्त्री जनन तंत्र सारे डायग्राम के थ्रू हमने आपको बहुत सारी चीजें यहां पर करवा दी हैं। आपको हमने यहां उत्सर्जन तंत्र करवा दिया, किडनी का यहां पर पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, जैसा कि मैंने कहा था कि किडनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उसी तरह का यहां पर क्वेश्चन आपसे देखने को मिला
है डायग्राम से, तो लीवर यहाँ कहाँ पर स्थित होता है। तो इसीलिए हमारे सारे वीडियोस देख डालिए अभी तक अगर नहीं देखे हैं आपने, और आगे आने वाली शिफ्ट में या आगे आने वाले जो 11 अक्टूबर को जो एग्जाम है उस दिन अगर आपका एग्जाम है तो हमारे सारे वीडियो देख डालिए आज के आज ही। हमारी रेलवे ग्रुप डी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अवतल दर्पण लेंस से आया और मैग्निफिकेशन आवर्धन से आया, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। और मैंने आपको जब साइंस का पूरा डेटा दिया था कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज भी उस वीडियो को उठाकर देख लीजिएगा कि मैंने आपको यहाँ पर मैग्निफिकेशन आवर्धन उसमें पूरा क्लियर किया हुआ है, पूरा आवर्धन मैंने उसमें समझाया है आपको, और यहाँ पर अवतल दर्पण लेंस जो है उसके बारे में भी मैंने उसमें आपको बताया था। अब यहाँ देखिए धातु से एक प्रश्न आया कि किस धातु की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर देखिए आयरन जो है, Fe जो है, फेरस जो है, इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। अगला K2 गॉडविन ऑस्टिन से भी एक क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन क्लियरली क्या था ये जो है हमारे व्यूअर्स हमें बता नहीं पाए, तो यहाँ पर देखिए K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है यहाँ पर पहाड़ियों से, यानी कि ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसी तरह से आज की पूरी शिफ्ट के क्वेश्चन हुए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।